नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निखिल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द फुल वॉल्यूम। द फुल वॉल्यूम के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। प्रश्न एक, भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए किसने CDS के नए पद की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी या ऑप्शन डी अमित शाह। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। भारत की वायुसेना, थल सेना और भारतीय नौसेना के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की घोषणा की है, जिसके लिए सुरक्षा विषय के जानकार पहले से ही मांग करते रहे हैं। प्रश्न दो, भारत के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर को कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 वर्ष, ऑप्शन बी 53 वर्ष, ऑप्शन सी 57 वर्ष या ऑप्शन डी 63 वर्ष। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 57 वर्ष। भारत के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर का हाल ही में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 1988 में 56 गेंद पर शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया था। उस वक्त यह शतक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भारत की तरफ से लगाया गया सबसे तेज शतक था। प्रश्न तीन, निम्न में से किस भारतीय पहलवान को इस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुशील पहलवान, ऑप्शन बी बजरंग पूनिया, ऑप्शन सी गीता फोगाट या ऑप्शन डी विजेंद्र सिंह। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी बजरंग पूनिया। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया को इस वर्ष खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उन्होंने हाल ही में तबलीसी ग्रैंड प्रीमियर में गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न चार, निम्नलिखित भारतीय स्टार में से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सर्वोच्च पेमेंट वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दीपिका पादुकोण, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी अक्षय कुमार या ऑप्शन डी आमिर खान। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अक्षय कुमार। फोर्ब्स पत्रिका ने साल 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स की सूची जारी की है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार वर्ष 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई वाले अभिनेताओं की सूची में अपनी कुल कमाई $48.5 मिलियन के साथ शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार हैं। विश्व के टॉप 10 अभिनेताओं में अक्षय कुमार छठे स्थान पर है, जबकि ड्वेन जॉनसन इस सूची में शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न पांच, किस हवाई अड्डे ने एयर सुविधा पोर्टल विकसित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों को अनिवार्य स्व घोषणा पत्र तथा पात्र यात्रियों को कोरोना वायरस के लिए अनिवार्य संस्थागत संरोधक से छूट हेतु आवेदन करने की अनुमति देता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या ऑप्शन डी छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक एक नया वेब पोर्टल विकसित किया है। इस ऑनलाइन पोर्टल को विभिन्न राज्य सरकारों, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने मिलकर विकसित किया है। प्रश्न छः, निम्नलिखित में से कौन COVID-19 वैक्सीन की खरीद और प्रशासन के रसद और नैतिक पहलुओं पर गठित COVID-19 वैक्सीन विशेषज्ञ समिति के नेतृत्व करता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वीके पॉल, ऑप्शन बी राजीव कुमार, ऑप्शन सी वीके सारस्वत या ऑप्शन डी YD चौरसिया। और आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वीके पॉल। प्रश्न सात, यूरोपीय संघ दक्षिण एशिया में बाढ़ प्रभावित लोगों को कितनी राशि की सहायता प्रदान करेगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.24 मिलियन यूरो, ऑप्शन बी 1.65 मिलियन यूरो, ऑप्शन सी 1.95 मिलियन यूरो या ऑप्शन डी 2.25 मिलियन यूरो। और आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 1.65 मिलियन यूरो। प्रश्न आठ, लोकसभा ने संसद भवन में लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निम्न में से किस भाषा में एक शुरुआती स्तर का पाठ्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जर्मन,
ऑप्शन बी रूसी, ऑप्शन सी उर्दू या ऑप्शन डी फ्रेंच। और आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रेंच। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से किस देश ने एम्स दिल्ली को अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक और उच्च अंत उपकरण प्रदान किया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी इजराइल या ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। और आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इजराइल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।